सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, कैलोस रीजन में जब से हमको मेगा एवोल्यूशन से इंट्रोड्यूस कराया गया था, तभी से मेगा एवोल्यूशन बहुत ज्यादा पॉपुलर बन गया है और पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में टोटल 48 मेगा एवोल्व पोकेमॉन्स हैं, जिनमें से आज मैं तुमको टॉप 30 बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन के बारे में बताने वाला हूँ। और हाँ यार, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट्स में जाके अपना फेवरेट मेगा एवोल्व पोकेमॉन का नाम जरूर लिखना। तो चलो यार, फिर वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, वीनसॉर। तो यार, वीनसॉर तुम लोग को पता होगा, ये पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो सकता है और ये मेगा वीनसॉर बन जाता है। मेगा इवॉल्व होने के बाद वीनसॉर की टाइपिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, लेकिन इसका डिजाइन और भी ज़रा ऑसम हो जाता है, काफ़ी अच्छा डिजाइन है इसका। नंबर टू, मेगा चार्जर्ड एक्स और मेगा चार्जर्ड वाई। ये दोनों ही चार्जर्ड के मेगा एवोल्यूशन है। चार्जर्ड के पास एक नहीं बल्कि दो दो मेगा एवोल्यूशन हैं। मेगा चार्जर्ड वाई की जो टाइपिंग है वो तो सेम ही है, फायर फ्लाइंग, लेकिन मेगा चार्जर्ड एक्स की जो टाइपिंग है वो है फायर ड्रैगन। इन दोनों में से सबको मेगा चार्जर्ड एक्स जो है उसका डिजाइन ज्यादा पसंद है, वो ज्यादा पसंद है मेगा चार्जर्ड एक्स सबको। नंबर थ्री, मेगा बीड्रिल। मेगा बीड्रिल का जो टाइप है वो है बग और पॉइजन, और यार इसका डिजाइन तुम लोग देख सकते हो, कितना ऑसम डिजाइन है इसका। नंबर फोर, मेगा पिजियॉट। तो ये है हमारे पिजियॉट का मेगा एवोल्यूशन, जो कि सब लोग को बहुत ज्यादा पसंद है। इसका जो डिजाइन है यार वो भी काफी अच्छा बनाया है पोकेमॉन कंपनी ने, मतलब बहुत ज्यादा कूल डिजाइन है। नंबर फाइव, मेगा अलेकजम। तो अलेकजम पोकेमॉन तो यार तुम सब लोग को काफी पसंद होगा, काफी अच्छा पोकेमॉन है, और इसके अलावा तुम लोग को पता होगा वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पोकेमॉन है। तो तुम लोग सोच सकते हो भाई, जब वो मेगा इवॉल्व होता है तो उसकी इंटेलिजेंस कितनी ज्यादा बढ़ जाती होगी। नंबर सिक्स, मेगा ब्लास्टॉइस। तो यार ब्लास्टॉइस पोकेमॉन का डिजाइन ऑलरेडी काफी अच्छा था, लेकिन जब वो मेगा इवॉल्व होता है उसका डिजाइन और भी ज्यादा मस्त हो जाता है, और उसके पास एक और तीसरी कैनन भी आ जाती है जिससे कि वो और खतरनाक हमला कर सकता है। नंबर सेवन, मेगा केंगिसखान। केंगिसखान पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, अगर तुम लोगों ने इसके साथ गेम्स में खेला है तुमको पता होगा। इसका डिजाइन हालांकि उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मेगा इवॉल्व होने के बाद इसका डिजाइन पहले से काफी अच्छा हो जाता है। नंबर एट, मेगा पिंसर। देखो यार, पिंसर पोकेमॉन मेरे को वैसे ही काफी ज्यादा बकवास पोकेमॉन लगता है, तो मैंने सोचा था कि यार इसका मेगा एवोल्यूशन अच्छा होगा, लेकिन इसका मेगा एवोल्यूशन भी कुछ खास नहीं है, तुम लोग देख सकते हो डिजाइन इतना अच्छा नहीं है। नंबर नाइन, मेगा गैरेडोस। गैरेडोस जो है यार वो जेन 1 यानी कि कैंटो का काफी ज्यादा फैन फेवरेटेड और पॉपुलर पोकेमॉन है। इसके नॉर्मल फॉर्म में इसका डिजाइन सब लोग को काफी अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम लोग मेगा एवोल्यूशन की बात करें तो मेगा एवोल्यूशन मुझे तो ठीक ठाक लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है। नंबर 10, मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई। तो यार चार्जर्ड की तरह म्यूटू के पास भी दो दो मेगा एवोल्यूशन है, मेगा म्यूटू वाई और मेगा म्यूटू एक्स। दोनों ही डिजाइन यार बहुत ज्यादा ऑसम है, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो यार मुझे तो मेगा म्यूटू वाई ज्यादा अच्छा लगता है, मेगा म्यूटू एक्स थोड़ा बल्की टाइप का है। नंबर 11, मेगा हेराक्रॉस। हेराक्रॉस पोकेमॉन यार एश के पास भी था, और एश का हेराक्रॉस सबको बहुत ज्यादा पसंद था, और तुम लोग को याद ही होगा कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था वो। तो इसका जो मेगा एवोल्यूशन है वो तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है, तुम लोग देख सकते हो। नंबर 12, मेगा स्टीलिक्स। स्टीलिक्स पोकेमॉन का हमने ब्रॉक के पास देखा था, और अलोला में तुम लोग को याद ही होगा ब्रॉक ने अपने स्टीलिक्स को मेगा इवॉल्व भी किया था, मेगा स्टीलिक्स बनाया था। स्टीलिक्स पोकेमॉन मुझे पर्सनली काफी पसंद है, उसका मेगा एवोल्यूशन भी काफी पसंद है, काफी मस्त डिजाइन है उसका भी। नंबर 13, मेगा एम्फ्रॉस। एम्फ्रॉस पोकेमॉन का डिजाइन और जो कलर वगैरह है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन जब वो मेगा इवॉल्व होता है तो भी काफी अच्छा लगता है उसका डिजाइन, लेकिन ज्यादा कुछ चेंजेस होता नहीं है वैसे देखा जाए तो। नंबर 13, मेगा सिजॉर। सिजॉर पोकेमॉन को यार जब पहली बार मैंने जोटो रीजन के एक एपिसोड में देखा था, तभी से यार ये पोकेमॉन मुझे बहुत ज्यादा कूल लगता था, और यार अगर हम लोग इसके मेगा एवोल्यूशन की तरफ देखें तो भाई मेगा एवोल्यूशन तो और भी ज्यादा मस्त है, तुम लोग देख सकते हो कितना गजब डिजाइन है। नंबर 14, मेगा हाउंडूम पोकेमॉन। हाउंडूम पोकेमॉन भी यार हम सब लोग को काफी पसंद है, काफी ईविल टाइप का पोकेमॉन लगता है, और यार इसके मेगा एवोल्यूशन के डिजाइन ने भी किसी को निराश नहीं किया, वो डिजाइन सबको काफी पसंद आया। नंबर 15, मेगा सेप्टाइल पोकेमॉन। सेप्टाइल यार मेरे एश के वन ऑफ द फेवरेट पोकेमॉन में से एक है, और उसका डिजाइन मुझे सही में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और यार जब वो मेगा इवॉल्व होता है तो उसका डिजाइन और भी ज्यादा मस्त हो जाता है, और इसकी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। नंबर 16, मेगा ब्लेजिकन पोकेमॉन। होएन के तरह तीनों स्टार्टर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनमें से एक ब्लेजिकन भी है। मेगा ब्लेजिकन का डिजाइन तो यार बहुत ही ज्यादा ऑसम डिजाइन है, और यार तुमने इसको पोकेमॉन एक्स वाई के स्टार्टिंग के एपिसोड्स में देखा होगा, वो सुपर हीरो जो रहता है उसके पास। नंबर 17, मेगा स्वैम्पर्ट। तो ये रहा हमारा होएन का तीसरा स्टार्टर पोकेमॉन। नॉर्मल फॉर्म में मुझे इसका डिजाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ये पोकेमॉन उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन भाई अगर देखे मेगा एवोल्यूशन को तो मेगा एवोल्यूशन तो इसका बहुत ही ज्यादा मस्त है यार, तुम लोग मतलब इसको देख के ही बता सकते हो कि ये पोकेमॉन कितना स्ट्रांग लग रहा है।
नंबर 18 मेगा रक्वेजा। मुझे पता है यार तुम सब लोग को रक्वेजा पोकेमोन कितना ज्यादा पसंद है, और यार हो भी क्यों ना, इसकी डिजाइन इतनी ज्यादा अच्छी है कि किसी का भी फेवरेट लेजेंडरी पोकेमोन बन जाएगा ये। लेकिन यार जब ये मेगा इवॉल्व होता है तब इसकी पावर तो बढ़ती ही बढ़ती है, इसका डिजाइन भी और ज्यादा मस्त हो जाता है। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना गजब डिजाइन है। नंबर 19 मेगा गार्चोम्प। गार्चोम्प पोकेमोन भी यार बहुत ज्यादा फैन फेवरेटेड पोकेमोन है और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। इसके मेगा एवोल्यूशन को तुम लोगों ने पोकेमोन एक्सवाई के स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में ही देखा होगा। इसका मेगा एवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा मस्त है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नंबर 20 मेगा लुकारियो। लुकारियो पोकेमोन भी यार बहुत ज्यादा फैन फेवरेट पोकेमोन है और बहुत ज्यादा पॉपुलर पोकेमोन है। मेगा लुकारियो को हम सब ने कोलिना के पास देखा था जो कि कैलोस की एक जिम लीडर है, और यार अभी करेंटली गलार में ऐश के पास भी है एक लुकारियो, तो देखते हैं क्या ऐश का लुकारियो कभी मेगा इवॉल्व होता है फ्यूचर में। नंबर 21 मेगा गार्डेवॉयर। गार्डेवॉयर पोकेमोन का डिजाइन भी सब लोग को अच्छा लगता है और इसका मेगा एवोल्यूशन का जो डिजाइन है वो भी काफी अच्छा है। मेगा गार्डेवॉयर को हम सब लोगों ने कैलोस रीजन की चैंपियन यानी कि डायंथा के पास देखा था। नंबर 22 मेगा गेंगार। गेंगार पोकेमोन भी जेन 1 का पोकेमोन है और ये काफी पॉपुलर है, हालांकि मुझे शुरू से इतना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यार जब बात आती है मेगा एवोल्यूशन की तो इसका डिजाइन डेफिनेटली काफी अच्छा है मेगा एवोल्यूशन में। तो नंबर 23 टायरानिटार पोकेमोन। टायरानिटार यार बहुत ज्यादा ओवर पावर पोकेमोन है और जब ये अपने मेगा एवोल्यूशन में आता है इसका डिजाइन देख के भाई डर जाएगा कोई भी, इतना खतरनाक लग रहा है दिखने से ही। और यार ये सही में बहुत ज्यादा ओवर पावर पोकेमोन है, मतलब बहुत गजब पोकेमोन है यार ये। नंबर 24 मेगा एग्रॉन पोकेमोन। एग्रॉन काफी हद तक मुझे टायरानिटार से सिमिलर सा लगता है क्योंकि ये भी टायरानिटार की तरफ बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड पोकेमोन है, ये काफी स्ट्रांग है। इसके मेगा एवोल्यूशन का डिजाइन देखा जाए तो काफी अच्छा है, तुम लोग देख सकते हो। नंबर 25 मेगा शार्पीडो। इसका डिजाइन तुम लोग देख लो, इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने मिले इसके मेगा एवोल्यूशन वाले फॉर्म में, थोड़े बहुत चेंजेस है लेकिन इसका मेगा एवोल्यूशन ठीक ठाक ही है। नंबर 26 मेगा एब्सोल। एब्सोल पोकेमोन से एकदम लेजेंडरी पोकेमोन वाली वाइब आती है, एक टाइम पे मैं इसको सही में लेजेंडरी पोकेमोन समझा करता था। तो यार बात करी जाए इसके मेगा एवोल्यूशन की, इसका मेगा एवोल्यूशन डिजाइन बहुत ज्यादा औसम है, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। मुझे इसका डिजाइन यार सब में से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नंबर 27 मेगा मेटाग्रॉस। मेटाग्रॉस पोकेमोन का डिजाइन भी देखा जाए तो काफी अच्छा है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो इसके पास मेगा फॉर्म में चार चार हाथ आ जाते हैं और इसकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। नंबर 28 मेगा गलेट पोकेमोन। गलेट और गार्डेवॉयर में से मुझे शुरू से गलेट पोकेमोन जो है वो ज्यादा पसंद रहा है। इसका डिजाइन यार बहुत ही ज्यादा मस्त बनाया गया, बिल्कुल एक निंजा पोकेमोन जैसा है ये, और अपने मेगा फॉर्म में ये बिल्कुल एक प्रिंस टाइप का लगता है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कितना मस्त है। नंबर 29 मेगा ग्लेली। ग्लेली पोकेमोन मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है और ना ही उसका डिजाइन कुछ अच्छा है, लेकिन मेगा ग्लेली देखा जाए तो थोड़ा खतरनाक टाइप का लगता है और थोड़ा स्ट्रांग भी लगता है। नंबर 30 मेगा कैमरप पोकेमोन। कैमरप पोकेमोन मेरे को काफी पसंद है और इसके वॉल्केनो उसकी वजह से काफी स्ट्रांग लगता है देखने में, और यहाँ पर तुम लोग इसका मेगा फॉर्म देख सकते हो, इसका जो वॉल्केनो है वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है मेगा फॉर्म में और ये और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। तो फिर बस यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि तुमको ऐसे ही पोकेमोन का अमेजिंग कंटेंट डेली देखने मिलता रहे। ये रहे पोके क्विज विनर्स और आज की पोके क्विज, जिसको आंसर पता है कमेंट में बता दो, मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।